सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ओथ के बारे में, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में सेफ्टी प्लेज कहते हैं। दोस्तों ये क्यों होता है? दोस्तों जब हमारा टीबीटी ख़त्म होता है तो हम लोग सेफ्टी ओथ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो काम करेंगे वो सेफ तरीके से काम करेंगे, किसी पर्यावरण को हम लोग हानि नहीं पहुँचाएंगे। ये मैंडेटरी होता है, मतलब कुल मिला के इस तरह का होता है कि हमारा जितने सारे वर्कर्स है, स्टाफ है, हम सभी लोग शपथ ले रहे हैं, हम सभी लोग ओथ मतलब ये ले रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम लोग सेफ तरीके से काम करेंगे। इससे क्या होती है, कुछ लोगों के दिल में जो है एक अलग सी महसूस होती है कि हमने मतलब प्रतिज्ञा लिया है तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, अनसेफ एक्ट नहीं करेंगे। तो एक गुड प्रैक्टिस बनता है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग सेफ्टी वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वही होता है कि हम खुद को या फिर हमारे पर्यावरण को, एनवायरमेंटल को और हमारे जो साथी है वर्कर्स को, हम कुछ इस तरह काम नहीं करेंगे जिसके द्वारा खुद को नुकसान हो, पर्यावरण को नुकसान हो, हमारा जो साथी काम कर रहा है, कोलीग है, को वर्कर्स है, तो उसको भी कोई नुकसान ना हो, कुछ इस तरह का होता है। तो ये जो है दोस्तों हमेशा जो है हमको मतलब टीबीटी के बाद लेना होता है, चाहे स्टाफ हो, सेफ्टी हो, तो सभी को ये जो है इम्प्लीमेंटेशन करना है साइट में। तो कभी कभी क्या होता है साइट में ये जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, टीबीटी कभी नहीं हो पाती है, हफ्ते में एक बार टीबीटी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीबीटी जो है हर दिन होना चाहिए, वो भी जो है वर्क स्टार्ट होने से पहले। और ये इंश्योर करना है हमें कि सेफ्टी ओथ जो है हम हर दिन ले रहे हैं, हम हर दिन प्रतिज्ञा कर रहे हैं, और ये जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ये इम्प्लीमेंटेशन जो है हमेशा होना चाहिए। दोस्तों कभी कभी नहीं हो पाता है तो इम्प्लीमेंटेशन कराना ही हमारा काम होता है, हमारा मकसद ही होता है कि साइट में कंटिन्यूअल इम्प्लीमेंटेशन करना है। दोस्तों तो अगर कुछ लोगों के को अभी तक पता नहीं होगा सेफ्टी ओथ क्या होती है, तो हमेशा सेफ्टी ओथ जो है टीबीटी के बाद लिया जाता है, या फिर कोई फंक्शन वगैरह हो जाता है उसके बाद भी लिया जाता है, फंक्शन से पहले भी लिया जाता है, तो कुछ इस तरह का होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो सेफ्टी ओथ होती है आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।